ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य उपनिषद के 361वें वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गत 11 फरवरी 12 फरवरी 13 फरवरी को जो कार्यक्रम खुले खुले मैदानों में हमारा आर्य मास मिलन हुआ करता था, इस बार अंतर्राष्ट्रीय आर्य मास मिलन ऑनलाइन जूम में चला और 15 देशों के प्रतिनिधि जुड़े, अपने अपने विचार दिए। कम से कम 30 अखबारों में मीडिया ने कवरेज भी दी। आप सभी के सहयोग के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि केंद्रीय अशोक समाज से भी लोगों को, संतों को, महात्माओं को, जिनका समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में, समाज के कायाकल्प में, समाज के परिवर्तन में, सामाजिक बदलाव में योगदान रहा, उन सभी को याद करती है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हम आप सब लोग उस बारे उनको याद कर सके। गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान दिवस था, वो भी हमने मनाया। गुरु तेग बहादुर जी का तो उनको मिलाया, वीर हकीकत रह गया था, वो बसंत पंचमी में याद किया। इसी प्रकार आज संत रविदास जी, जो सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे, जिन्होंने बड़े सामाजिक परिवर्तन क्रांति की, उनका जन्मोत्सव है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं आर्य रविदेव गुप्ता जी, दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के प्रधान। आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजकुमार आर्य जी, प्रधान आर्य समाज भूड भारत नगर और डायरेक्टर स्वदेशी आयुर्वेद हरिद्वार। उनके साथ ही कोषाध्यक्ष हैं आर्य समाज मंगोलपुरी के मंत्री, परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष त्रिपाल आर्य जी। तीनों अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं श्री रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ एक गीत द्वारा कार्यक्रम को शुभारंभ करें। सभी को मौका मिलेगा 7 बजे तक। आइए रविंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक गीत से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदय। आइए ईश्वर स्तुति का गीत। ए मेरे कृपया आपने माइक म्यूट कर दीजिए। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार, होंठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार, चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा, चरणों में हो मन सदा,
चरण हो मंजिल सदा, हे दयालु भक्ति का दे दान बार बार। होंठों पर हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें, मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें। धन्य धन्य आपको प्रणाम बार बार। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा, सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में हमको लगाना नाथ बार बार। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। बार हो जन्म हर जन्म में आप हम, बार बार हो जन्म हर जन्म में आप हम। यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार। सदगुरु प्रणाम बार बार। चांदनी का दीप लेकर थाल फूलों से सजा, चांदनी का दीप लेकर थाल फूलों से सजा। आरती हम आपकी करें रोज बार बार। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। होंठों पर हो आपका ही नाम बार बार। ए मेरे सदगुरु प्रणाम बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। संध्या पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं जाऊंगा एक भजन, उसके बाद प्रवीण आ रहे जी, कुसुम भटारी जी, संध्या पांडे जी को कई भी दिनों के गाए हुए। संध्या जी आ रहे हैं, चलो संध्या जी तैयारी करो, प्रवीण जी तब तक खा लेते हैं। आइए प्रवीण जी गाजियाबाद से, फिर संध्या पांडे जी तैयारी कर लें। ऑनलाइन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। ईश्वर कृपा को जिसने भी पाया उसी का ये जन्म सफल हो गया। गीत के बोल। ईश्वर कृपा को जिसने भी पाया उसी का जन्म ये सफल हो गया है, उसी का जन्म ये सफल हो गया है। श्रद्धा से जिसने है सर को झुकाया उसी के सवालों का हल हो गया है, उसी के सवालों का हल हो गया है।
नजरों में तू है, नजारों में तू है, तू ही पतझड़ों में बहारों में तू है, तू ही पतझड़ों में बहारों में तू है। गंगा सी पावन नदियों में तेरा प्रभु रूप कैसा विमल हो गया है, प्रभु रूप कैसा विमल हो गया है। मेरे मन की चादर विकारों से ईश्वर बहुत ज्यादा मैली मैली हुई थी, बहुत ज्यादा मैली मैली हुई थी, तुम्हारी शरण में आकर के दाता चादर का रंग भी धवल हो गया है, चादर का रंग भी धवल हो गया है। दुनिया में तुमसा नहीं और कोई, संभाले जो हमको नहीं ठोर कोई, संभाले जो हमको नहीं ठोर कोई, विकारों से दूषित ये जीवन विधाता तुम्हारी शरण में अमल हो गया है, तुम्हारी शरण में अमल हो गया है। ईश्वर कृपा को जिसने भी पाया उसी का जन्म ये सफल हो गया है, उसी का जन्म ये सफल हो गया है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, संध्या पांडे जी तैयार है कृष्ण नगर से, तो आ जाए जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, मेरा सारे नमस्ते। हाँ जी, एक प्रभु भक्ति गीत स्वागत है जी। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंदर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यार प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है, अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां
यू ही बीत न जाए कहीं, जीवन की अनमोल घड़ियां यू ही बीत न जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं, दीप जला कर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या पांडे जी, बहुत अच्छा भजन। कुसुम भंडारी जी सुनाएंगे जी। स्वागत सभी है, मेरा नमन। मैं एक ऋषि जी का सुना रही हूँ। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका में खिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। चल पड़े सुख संपदा को छोड़कर, सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए, सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, तर्क की तलवार जब ली हाथ में, मिथ्य पंथों के शासन हिल गए, मिथ्य मत पंथों के शासन हिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, जहर दे कर के किया स्वागत तेरा, जहर दे कर के किया स्वागत तेरा। जीत करके हार किसी का दिल गए, जीत करके हार किसी का दिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, विष पिया अमृत पिलाया औरों को, विष पिया अमृत पिलाया औरों को। प्यार ऋषि वर पा कर मंजिल गए, प्यार ऋषि वर पा कर मंजिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, बिछड़े भाइयों को मिला कर प्यार से, बिछड़े भाइयों को मिला कर प्यार से। प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज। देश पर मिटने को बिस्मिल चल दिए, देश पर मिटने को बिस्मिल चल दिए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, जामा मस्जिद से उठी ध्वनि वेद की, जामा मस्जिद से उठी ध्वनि वेद की।
वेदों को पढ़कर पढ़ा कर चल दिए, वेदों को पढ़कर पढ़ा कर चल दिए, देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बजे रो उसके बाद मुख्य वक्ता जी माता ईश्वर देवी जी हैं, कमलेश चांद्रा जी हैं, कोई और है जिसकी तैयारी है वो आज एक वचन 5:30 बजे रविदेव गुप्ता जी का है। बोल दूं कमलेश चांद्रा जी? हाँ जी बोल दूं। हाँ बोलिए, आइए, स्वागत है। हाँ जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्या जी, आचार्य रविदेव आर्य जी, सभी अतिथिगण तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। 14वीं शताब्दी, जिसे मध्यकाल भी कहा जाता था, संत कुलभूषण रविदास जी का जन्म एक चमड़े के जूते बनाने वाले परिवार में हुआ। तथापि उन्होंने कभी भी अपनी जाति और व्यवसाय को तुच्छ और छोटा नहीं समझा। इसका उदाहरण उनके दोहों में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों में अपनी जाति और व्यवसाय का उल्लेख किया है। तो आइए सुनते हैं संत रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रहे रे दास प्रसन्न, रे भक्तों रहे रे दास प्रसन्न, पराधीनता पाप है जान ले हूरे मीत। पाप है जान ले हूरे मीत, रदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत, रे भक्तों कौन करे है प्रीत, रिदास जन्म के कारणे भूत न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच, रे भक्तों ओछे कर्म की कीच, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रिदास को जा नहीं मिल सकी जो लो मन शैतान, रे भक्तों जो लो मन शैतान, रविदास मदुरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए, रे भक्तों जो चढ़ नहीं उतराए, का मथुरा का द्वार का काशी हरिद्वार, रिदास खोजा दिल आपना तो मिला दिलदार, रिदासा तो मिला दिलदास, रिदास ब्राह्मण मत पूजिए
जो होवे गुणहीन पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण रे भक्तों जो होवे गुण प्रवीण धर्म हेतु संग राम में जो कटाए सीस सो जीवन तो सफल भया रे दास मिले जगदीश रे दासा रे दास मिले जग दीश पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन रदास पराधीन को सभी ही समझे दीन रदासा सभी ही समझे हीन जाति जाति में जाती है जो केलन के पात रिदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात रिदासा जब तक जाति न दास रवि दास एक ही नूर से जिमी उपजयो संसार रवि दास एक ही नूर से जिमी उपजयो संसार ऊंच नीच की विद भये ब्राह्मण और चमार रे दासा ब्राह्मण और चमार रवि दास हमरो राम जी दशरथ करी सुत नाही राम हमयो रमी रयो बिसब कुटुंब माहिर दासा बिसब कुटुंब हमार धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारिय जी आपने संत रविदास जी को याद किया उनके बहुत अच्छे सुंदर दोहे सुनाए आपका धन्यवाद ठीक 5:30 बज चुके हैं आज के मुख्य वक्ता आर्य रवि गुप्ता जी छूट चुके हैं सामाजिक समरसता के प्रतीक संत श्री रविदास जी आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर के आर्य जी स्वदेशी वाल में से हरिद्वार और अध्यक्ष श्री धर्मपाल आर्य जी मोहनपुर से हमारे परिषद के कोषाध्यक्ष मैं रविदेव गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ आए अपना 30 और 40 मिनट के बीच में वक्तव्य रखें उसके बाद आर के आर्य जी फिर अध्यक्ष जी उसके बाद जो भजन गीत बोलना चाहे मैसेज बॉक्स में लिख दें सबको अवसर मिलेगा आइए रविदेव जी धन्यवाद अनिल जी स्वागत है आपका ये जो उपक्रम है मैं इसका वास्तव में बहुत प्रशंसक हूँ क्योंकि आप जितना परिश्रम करते हैं एक प्रकार से प्रकारांतर से आर्य जगत की सेवा हो रही है आज का विषय भी बड़ा सुंदर चुना गया है क्योंकि हम लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास का नाम प्राय सुना है लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की एक समाज की विकृत व्यवस्था है तो संतों को भी हमारे यहाँ बांट लिया गया और बांट के कुछ अलग अलग वर्ग विशेष के संत हो गए ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी विडंबना है महर्षि वाल्मीकि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा रामायण वो एक वाल्मीकि समाज के संत रह होके रह गए इसी प्रकार से सिख समाज में जितने भी संत हुए बहुत बड़ी गुरुओं की परंपरा है वो कालांतर में केवल एक सिख पंथ के सिख समाज के ही गुरु बन के रह गए
यही स्थिति संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की हुई। इनको भी जिसको आजकल तथाकथित हम दलित समाज बोलते हैं, उस दलित समाज में भी जो एक अलग से वर्ग कहलाता है, एक वाल्मीकि कहलाता है और एक जाटव कहलाता है, उनके लिए पहले कभी शब्द प्रयोग होता था चमार, ये उन्हीं के खाली संत बन के रह गए हैं। ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन हम सब जो जानते हैं कि संत में और वसंत में क्या साम्य है, जैसे वसंत ऋतु आने से प्रकृति सुधर जाती है, ऐसे संतों के समाज में आने से संस्कृति सुधर जाती है। पर हिंदू समाज की जितनी विडंबनाएं हैं उसमें एक अनेक विडंबना ये भी है। आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे संत के जयंती के अवसर पर एक छोटा सा आपस में विचार विमर्श करने का उपक्रम कर रहे हैं। संत गुरु रामदास ये रामानंद संप्रदाय के कहलाते थे और बहुत बड़े एक कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे और ईश्वर के बड़े भक्त थे। एक हमारे यहाँ जो दो परंपरा चलती है, सगुण के उपासक, निर्गुण के उपासक, ऋषि जानन ने तो उसके बारे में बहुत स्पष्ट परिभाषाएं लिखी हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों परमात्मा के ही गुण हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको पौराणिक समाज ने ये मान लिया कि सगुण का मतलब साकार और निर्गुण का अर्थ निराकार। ये बीच में कोई बोल रहे हैं तो सगुण और निर्गुण इसको भी लोगों ने भाग में बांट दिया, साकार और निराकार की पूजा। तो जितने मूर्ति पूजक समाज है वो अपने को सगुण के उपासक मानते हैं और जहां जहां मूर्तियों की उपासना नहीं होती है, ऐसे कबीरपंथी हैं, ऐसे ही ये रविदासियां हैं, ऐसे ही सिखपंथी हैं, ये सब जो है निर्गुण के उपासक, और हमारे समाजी भी निर्गुण के ही उपासक माने जाते हैं। जबकि आर्य समाज ये निर्गुण और सगुण जो है वो दोनों ईश्वर के ही गुणों को धारण करता है। ऋषि जानन ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा है। तो भ्रांतियां इतनी हैं, अज्ञानता इतनी है। इनका जन्म लगभग 1400 के आसपास हुआ था। कोई जन्म तिथि इनकी बहुत निश्चित मिलती नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता लगता है कि लगभग 100 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त की और वाराणसी के आसपास एक कोई गोवर्धन गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। और लगभग 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके 1540 के आसपास वहीं पर, जिस जन्म स्थान जो इनका गाँव था वहीं पर इनका शरीर भी, देह जो है उसका त्याग किया। इनके पिताजी संतोख दास थे। इनके घर में पुश्तैनी वही कार्य होता था जिस कार्य के लिए ये रविदास या समाज जाना जाता है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, जिसको हम लोग चमार जाति के नाम से जानते। इनका काम क्या होता है, बड़ा निषिद्ध कार्य है, मरे हुए जानवरों की खाल उतारना, उनके चमड़े को तैयार करना, फिर उसके बाद में चमड़े से बहुत कुछ बनाना। उस समय तो ज्यादातर जूते का ही व्यवसाय होता था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, इसने भी वही अपना जो पैतृक व्यवसाय था उसमें काम करना आरंभ किया। पर कुछ अलग विलक्षण संस्कार लेके ये आत्मा देह में प्रवेश की थी। ईश्वर के भक्त थे बचपन से ही, पढ़ने की भी बड़ी रुचि थी। पढ़ने के अंदर में अड़ंगे तो बहुत आए, ब्राह्मण समाज ने बड़ा विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो ये स्थिति पैदा कर दी थी कि कोई भी महिलाएं भी नहीं पढ़ सकती हैं और शूद्र तो पढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार की इनके साथ भी बहुत परेशानियां आई, लेकिन किसी भी प्रकार से कुछ लोगों का संरक्षण मिला। और कहते हैं कोई एक पंडित जी थे शारदानंद जी, उनको मालूम नहीं कैसे इस बच्चे के साथ स्नेह हुआ और उसने अपने संरक्षण में इनको पढ़ाने का उपक्रम किया और उससे पढ़ते है पढ़ते ये बड़े होनहार हो गए। अच्छा, इनको पर्याप्त ज्ञान भी हो गया। श्री राम में भक्ति थी और श्री कृष्ण में भी भक्ति थी। भक्त हो गए तो गुनगुनाने लगे, समाज के अंदर में संत के रूप में ख्याति बढ़ने लगी। अपना पुश्तैनी कार्य भी कर रहे हैं और संत के रूप में ख्याति भी बढ़ रही, अनुयायी भी बढ़ने लगे। उस समय का इतिहास ये साक्षी है कि राजस्थान के राजवंश में कुल में इनका अच्छा संपर्क था। मैं आगे इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा,
तो उससे हमको और स्पष्ट ज्ञान इस विषय में होने वाला है। हम लोगों ने मीराबाई का नाम सुना है, राजघराने की थी, राजपुतानी के, कृष्ण की बहुत भक्त थी, और वो मीराबाई के जो दादाजी थे वो इनके प्रशंसक थे। तो परिणाम क्या हुआ कि उनकी पौत्री मीराबाई वो भी इनको अपना गुरु धारण करने लगी और शिष्य बन गए। और कहीं मीराबाई की उक्तियों में कहीं आता भी है इतिहास में, गुरु मिलिया रविदास, इससे इसका पुष्टि भी होती है। तो समाज में जितना भी प्रचलित वो था, ये छुआछूत पाखंड इस सब का दंश इनको भी बहुत झेलना पड़ा। महापुरुषों के ये जीवन की एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन इनकी संत के रूप में ख्याति फिर भी बढ़ती चली गई। अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो इन्होंने एक रविदासिया पंथ जो है वो अपना एक अलग से एक बना लिया, जिनके भक्तों की इंद्र श्रेणी उसमें गिने जाने। इनके उपदेशों का संग्रह होने लगा। पहुंचते पहुंचते जैसे पुष्प की सुगंध चारों ओर फैलती है, ऐसे संत की ख्याति भी स्वयं फैलती है। फैलती गई तो स्थिति ये हुई कि गुरु अर्जुन देव तक पहुंच गई, और वो जो पांचवे गुरु थे अर्जुन देव जी, उन्होंने इन्हीं के बहुत से पद, इनकी शाखियां वो गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल की। हम में से बहुत से बंधुओं को अगर ज्ञान नहीं है तो मैं उनको ये जानकारी दे रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में किसी एक व्यक्ति ने कुछ नहीं लिखा है, उसमें विभिन्न संतों के, महापुरुषों के, कवियों के बहुत सी रचनाओं का संकलन है वो, और वो संकलन करके वो इस प्रकार से एक ग्रंथ को गुरु के रूप में अधिष्ठित किया गया। और ये गुरु गोविंद सिंह तक परंपरा चलती रही और उन्होंने उसको संकलित करके गुरु मानियो ग्रंथ, तब इसको गुरु की संज्ञा दी। उन्होंने कहा अब इसके बाद में कोई भी मनुष्य अब गुरु के रूप में नहीं माने जाएंगे। तो दसवें गुरु तक तो हमारे यहाँ पे भौतिक गुरु रहे सिख पंथ में, और उसके बाद में उनका बलिदान भी हुआ गुरु गोविंद सिंह का, किन परिस्थितियों में वो आज हमारा विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने ही जीवन काल में एक ऐसी परंपरा का निर्माण कर दिया जो आज तक अक्षुण्ण है। अब कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है, और गुरु क्या होता है, उनका एक ग्रंथ है जिसको मैंने कहा गुरु मानियो ग्रंथ। इस प्रकार की जो परंपरा है जहाँ पे कोई भौतिक गुरु नहीं होता तो वो संस्थाएं बहुत लंबी चलती हैं। और इसका हमको एक दूसरा उदाहरण मिलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उनके यहाँ केवल और केवल डॉक्टर हेडगेवार जी संस्थापक थे, और उन्होंने भी कहा कि मैं गुरु नहीं हूं। सबसे पहले संस्थापक जिसको उस समय के सामान्य जो लोगों की परंपरा थी, जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है उसी को कहने लगते थे आप हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा नहीं, गुरु जो है किसी व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन मरण धर्म होता है, और उसके बाद में और उसके जीवन काल में भी बहुत से विवाद खड़े हो सकते हैं। इसलिए मुझे को किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने जीवन काल में उन्होंने एक ध्वज को ये बहन जी बड़ी असावधानी है, आप लोग म्यूट नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसी प्रकार से एक भगवा ध्वज को अपना ध्वज बनाया। इसी प्रकार की परंपरा हमारे यहाँ पे महर्षि स्वामी दयानंद ने भी प्रचलित की। उन्होंने भी अपने जीवन काल में ही कह दिया था मेरे को गुरु नहीं बनाई है, और मुझे कोई अपना नया पंथ भी नहीं चलाना है, इसलिए कोई अलग संप्रदाय भी नहीं है मेरा। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि मेरी बाद में कोई समाधि भी ना बनाई जाए, और मेरी अस्थियों का भी विसर्जन जो है वो किसी प्रकार से खेतों के अंदर में राख के रूप में किया जाए। यहाँ इस तरह की बड़ी उदात्त परंपराएं जन्म लेती हैं, तो वहां की जो संस्थाएं हैं जो उनकी बनाई हुई, उनका जीवन भी अक्षय होता है, क्योंकि भौतिक शरीर के ऊपर निर्भरता ही नहीं है। मानवीय गुण अवगुणों के ऊपर में भी किसी प्रकार की निर्भरता नहीं है। ग्रंथ के अंदर कभी दोष आ ही नहीं सकता। ऋषि जानन ने परंपरा करी उसमें कोई दोष नहीं आ सकता। भगवा ध्वज बनाया डॉक्टर हेडगेवार ने, उसमें भी किसी प्रकार का दोष कभी आ ही नहीं सकता। तो वो संस्थाएं चलती हैं, इसी प्रकार से इन्होंने भी किया। और एक जो उक्ति हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम लोगों ने इसको एक छोटा सा मुहावरा बनाया हुआ। ये मुहावरा संत गुरु रविदास जी के मुख से निकला हुआ वाक्य है।
कहावत कहते हैं कि उस समय कहीं गंगा स्नान के लिए बहुत से लोग जाने को तैयार थे। उन्होंने कहा चलो संत जी आप भी चलिए गंगा स्नान। उन्होंने कहा हाँ भाई चलेंगे तो जरूर। जिस समय वो सारी टोली आई कि चलिए महाराज, उन्होंने कहा यार आज तो मैंने कुछ वो जूते लोगों के लिए उनको आज की तारीख दी हुई है, मुझे तो आज ही देने हैं बना के। और कर्मयोगी थे, उनको मालूम था कि मैंने आज निश्चय किया है, वायदा किया, तो मुझे आज ही देने हैं। कि देखिए कितनी सिंपल एक सोच है, जिसको हम दुनिया संत मान रही है, वह व्यक्ति अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति और अपने ग्राहक से किए हुए व्यवहार के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ। उसने कहा भाई ठीक है मैं नहीं आज जा पाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज फिर स्नान, कहने स्नान क्या, मन चंगा तो ये मेरी कठौती है ना, इसके अंदर जो पानी है ये भी गंगा, वहीं से ये कहावत चली है। कहने को छोटा सा वाक्य है और संत के मुख से निकला हुआ है, ये जनमानस के लिए एक प्रकार का प्रेरणा वाक्य है। केवल गंगा का मतलब उसी गंगा नदी से नहीं है, गंगा का मतलब निर्मलता है। और निर्मलता अगर मन में भी होती है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब जो भी हमारे पास जल है हम उसको गंगा के रूप में ही मान सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों से लोगों ने कभी भी कुछ प्रेरणा लेने का प्रयास नहीं किया, छोटे मुहावरे बना के इनको मजाक के रूप में बोलते हैं। ये संत रविदास जी के ही वाक्य है, उन्होंने कहा कि भगवान ने बनाए हैं इंसान, और ये किस पे कटाक्ष है, उन्होंने कहा कि इंसान ने भगवान बना दिए, ये कैसे हो सकता है। और आज हमारा तो सारा पौराणिक समाज इतना कर्मशील हो गया है कि हर व्यक्ति अपना एक भगवान बना रहा है। ऋषि दयानंद ने इसी के लिए सबसे बड़ा वो किया, प्रयास किए, क्या तरीका। और इस बात को संत रविदास ने अपने शब्दों में बड़ी साधारण भाषा में कह दिया कि इंसान तो भगवान बनाता है और यहाँ क्या उल्टा हो रहा है, इंसान थोड़ी भगवान बना सकता है। जैसे समाज की बहुत ज्यादा पद्दलित स्थिति थी तो उनके जाति के लोग भी जो हैं वो उनको ब्राह्मणों की तरह वो तिलक जनेऊ धारण करते थे, तो वो ब्राह्मण तो विरोध करते ही थे, प्रताड़ित भी करते थे, उनके ऊपर सब तरह के आलोचन और व्यंग करते थे। इनके जाति के लोग भी इनको सलाह देते थे आप महाराज ये क्यों करते हो, ये ब्राह्मण समाज हमको जीने नहीं देता है, आपको भी इतना कष्ट देता है, लेकिन आप ये जनेऊ धारण करते हो, संस्कारी व्यक्ति हैं, उन्होंने कष्ट और अपमान तो सहे लेकिन अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कुछ इतिहास के साक्ष्यों के आधार पे कि हमारे यहाँ जिनको अंत्यज और शूद्र माना गया, जिनको हम रविदास जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, ये ना कभी अंत्यज थे ना शूद्र थे, और अगर शूद्र भी थे तो वो आर्यों के उस वर्ण के अनुसार थे, लेकिन ये तो शूद्र वर्ण के भी नहीं थे। इसको हम थोड़ा सा आगे जब सुनेंगे तो आप लोगों की भी एक तरह से लगेगा कि आंखें खुलती हैं, पता लगता है कि हमारे संतों का क्या इतिहास रहा। ब्राह्मणों का इनका बहुत विरोध इनके ही काल में, और ब्राह्मणों के विरोध से तो हिंदू समाज की कितनी हानि हुई है इसके बारे में सब जानते हैं। सारे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया इन्होंने, महिलाओं के लिए कितने प्रतिबंध लगाए, महिला शिक्षा, ये तो नारी शिक्षा का तो ऋषि दयानंद का ऋण माने सारी महिलाएं। आज जितनी बहनें सुन रही हैं विशेष रूप से उनको तो समझना ही चाहिए कि नारी शिक्षा के लिए अगर प्रयास किसी ने किया तो वो केवल और केवल आधुनिक काल के अंदर में महर्षि स्वामी दयानंद ने किया, वरना तो सब लोगों ने ये कहा था कि शूद्र और स्त्री इनको तो ना शूद्र स्त्री ना दीयताम, इनको किसी प्रकार की ना बुद्धि होती है ना इनको पढ़ने का अधिकार है। अगर माता निरक्षर है अनपढ़ है तो संतान कहाँ से शिक्षित होगी, थोड़े बहुत अपवाद हो सकते हैं। हम लोगों की माताएं हमारी दादियां कोई बहुत शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन वो अनपढ़ होते हुए भी शिक्षितों से ज्यादा बुद्धि और जन सामान्य बुद्धि रखती थी। तो ब्राह्मणों ने जब इतनी उनकी की तो कहते ये हैं कि उन्होंने हत्या करने के भी षड्यंत्र किए, और ये षड्यंत्र तो महर्षि के जीवन में हुए हैं, उनकी आखिर इसी प्रकार से उनका शरीर गया, बार बार विष दिए गए। और संत रविदास के जो जीवनी पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा कि वो इतने प्रताड़ित तो अपने ही लोगों से हुए। मुगलों की प्रताड़ना जो है उसका तो मैं आगे आपको एक प्रमाण देने ही वाला हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो दुखद अज्ञा है, मुगलों की प्रताड़ना हुई तो केवल अपमानजनक हुई, और यहाँ तो क्या स्थिति हुई कि इनका जीना दुर्भर हो गया।
और उन्होंने इतना षड्यंत्र जब बहुत ज्यादा हुए तो बहुत ही तंग आके स्वेच्छा से ही अपने शरीर को त्याग दिया गंगा के किनारे। तो ये मैंने छोटा सा आपको रविदास जी का जन्म और पूरी जीवनी का, जन्म से लेकर और मृत्यु तक का बहुत संक्षेप में कुछ विषय बताया। अब मैं आपको ये बताने की इच्छा रखता हूँ कि हमारे यहाँ जिसको हम चमार बोलते हैं, जिसके ये वर्ग का प्रतिनिधि हैं, ये चमार शब्द आया कहाँ से? बंधुओं, जब हम अपने वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, और मुझे बताने में एक गर्व का अनुभव होता है कि जो वैदिक साहित्यों की जो हमारी परंपरा लगभग लुप्त होती जा रही थी, आज तो बहुत सी पुस्तकें मिलती नहीं है हमारे को, आधुनिक काल की पुस्तकें नहीं मिलती हैं, तो हम में से ही एक युवक डॉक्टर विवेक आर्य, उसका नाम लेते हुए मुझको प्रसन्नता होती है। स्वयं वो बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन, लेकिन क्योंकि आर्य कुल में और आर्य परिवार में जन्म हुआ है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि रेयर वैदिक लिटरेचर है उसको सारे को मैंने दोबारा से जीवित करना, और मैं देख रहा हूँ लगभग एक वर्ष से वो बड़े प्रयास में लगे हुए हैं, और बहुत पुस्तकें ऐसी जो उपलब्ध नहीं थी और ऐसे ऐसे लेखकों की, ऐसी एक पुस्तक उन्हीं के माध्यम से मेरे भी हाथ लगी, संत गुरु रविदास के ऊपर। उस पुस्तक में साक्ष्य के आधार पर जो बताया गया, मैं उसका उद्धरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा ये जो चमार शब्द है, ये चंवर जाति, चंवर शब्द का अपभ्रंश है, और ये चंवर एक क्षत्रियों की जाति थी। क्षत्रियों की जाति थी तो स्वाभाविक है राजवंश के साथ जुड़ी हुई थी। इतिहास के साक्ष्य ये बताए गए कि महाभारत काल के अंदर में भी इसका उल्लेख मिलता है, उसके अंदर में चर्म मारी राजवंश कहा जाता है, पर ये महाभारत की तो बहुत पुरानी बात हो गई, हम तो अब आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में एक चंवर राजवंश था, और उसकी विभिन्न जो शाखाएं थी वो एक प्रकार से कहीं दूर निकल के, जैसे घास बोलते हैं ना, दूब, दूब की जड़ कहीं से कहीं निकलती है। अगर जातियों का, कुलों का इतिहास देखा जाए तो वो कहीं से कहीं उसके तार जुड़ते हैं। तो ये जो चंवर राजवंश था राजस्थान का, इनकी कुछ शाखाएं मेवाड़ के महाराणा बापा रावल से जुड़ती हैं। कितना उज्जवल इतिहास है। और इसका एक छोटा सा जो साक्ष्य मिलता है कि संत रविदास स्वयं जीवन काल में अपने राणा सांगा के बहुत ही स्नेह श्रद्धा के पात्र, और श्रद्धा के पात्र के फलस्वरूप राणा सांगा के दुर्ग में भी उनके गुरु के रूप में वो बहुत समय तक चित्तौड़ में रहे। ये उनके जीवन काल की बात, क्योंकि राणा सांगा को मालूम है कि ये व्यक्ति आज किसी भी वर्ण का माना जाता है, और ब्राह्मण समाज ने इनको बहुत वो किया हुआ है, लेकिन ये क्या है और किस वंश से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में देखिए। इतिहास जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमको यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा, और हमारे मन में संतों के प्रति जो एक श्रद्धा स्वाभाविक होनी चाहिए वो नहीं जन्म लेगी। आज हम क्या कर रहे हैं, एक सदाशयता के कारण कि हिंदू समाज में एक थोड़ी सी सदाशयता है कि हम हरेक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में संकोच नहीं करते, तो हम ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, शूद्र कुल का भी अगर संत है तो सम्मान देने में क्या जाता है, इसलिए हम रविदास जी का भी सम्मान कर रहे हैं। ये तो औपचारिकता लगती है, शिष्टाचार लगता है। बंधुओं, ये शिष्टाचार का विषय नहीं है, ये हमारी इतिहास की अज्ञानता है जो हम इस प्रकार के शिष्टाचार की बात सोच रहे हैं। इतिहास क्या बता रहा है? संभवतः मैंने पहले कभी किसी व्याख्यान के अंदर बताने का प्रयास किया होगा, इतिहास किसको कहते हैं? इति कहते हैं जिसका इति कहते हैं जो हो चुका है, जैसे कर्तव्य की इति श्री बोलते हैं, पुस्तक कोई खत्म करते हैं तो बाद में लिखते हैं इति। इति का मतलब है जो काल घटनाएं जो किस काल में हो चुकी हैं, तो जो बीती हुई घटनाएं हैं उनको हम इति कहेंगे, और उनका यथावत वर्णन करेंगे तो वो हास है। हास शब्द की भी आप लोग उत्पत्ति देखिए, किसी भी आपस में हंसी मजाक करते हैं तो परिहास बोलते हैं उसको। शब्दों की उत्पत्ति का हम लोगों को जानने का अभ्यास नहीं है, और इसलिए हम शब्दों के अर्थों के मर्म तक पहुंच नहीं पाते हैं।
मैं छोटे छोटे संकेत केवल इसलिए करता हूँ कि जितने भी बंधु जितनी भी बहने मेरे इन व्याख्यानों को कभी भी सुने, मैं कहीं ना कहीं शब्दों की उत्पत्ति का संकेत जरूर करता हूँ। तो इतिहास का मतलब खाली है कि मान लिया कि इसके अंदर में कहीं कोई बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री लोग बोलते हैं उसको, बस इससे ज्यादा कुछ समझते नहीं। इतिहास का मतलब है जो घटित घटनाएं हैं कालांतर में भूतकाल में उनका यथावत वर्णन, उसको इतिहास कहते हैं। और अगर वो यथावत नहीं है तो फिर वो इतिहास नहीं है, वो अपभ्रंश है तोड़ मरोड़ के। और आज जितना इतिहास हमको उपलब्ध है राजपुताने काल का और मुगलों के आने के बाद का, वो सारा का सारा मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने इतना उसको डिस्टॉर्ट किया है, और उसके अंदर जितना हमारा ये वामपंथी समाज है जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है, जिनका कोई देश नहीं होता है, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती है और किसी भी जाति के नहीं होते हैं, वो केवल और केवल अमर बेल की तरह पनपते हैं, जिनकी अपनी जड़ें नहीं होती हैं, ऐसा वामपंथी समाज सारे विश्व के लिए मानवता के लिए जो खतरा बना हुआ है, जिसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, ऐसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के साथ में कितना बलात्कार किया है कि आज हमारा इतिहास ही इतिहास नहीं रह गया, एक नाटक बन के रह गया। अब धीरे धीरे जब से ये कुछ साल से हमारे यहाँ राजनीतिक चेतना आई है तो इतिहास के पुनर्लेखन के लिए भी लोगों की सजगता निर्माण हुई है। लोगों ने धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से इतिहास के पुराने पन्नों को खोलना शुरू कर दिया है और बहुत कुछ पता लग रहा है। मुगलों के समय का बहुत कुछ पता लगा है, अंग्रेजों के समय का भी बहुत कुछ सही सही पता लग रहा है। और जो ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसके महात्मा गांधी अग्रणी माने जाते हैं, उनके स्वयं के जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं जो बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं और निंदनीय आचरण है, उस सब की भी धीरे धीरे हमको जानकारी मिल रही है। तो मैं संत गुरु रविदास जी के इतिहास की बात कह रहा हूँ। जिस समय ये सारे के सारे मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मुगलों से भी पहले सिकंदर लोधी आया, ये संभवतः हुमायूं के काल में आया मुगलों के बीच में। ये इतिहास का विषय, आप लोगों में से कोई भी जिसकी इच्छा हो इस विषय को स्वयं थोड़ा सा ढूंढ के सुनिश्चित करने का प्रयास करें। और मुझको ऐसा ध्यान आ रहा है कि संभवतः ये हुमायूं के काल में आया और हुमायूं को इसने हराया था, और कुछ काल बाद फिर मुगल साम्राज्य दोबारा इसको हरा के स्थापित हुआ। इन मुसलमानों में एक बहुत बड़ी वो थी कि ये गाजी की उपाधि धारण करना चाहते थे, और गाजी उसको कहते थे जो पता नहीं कुछ संख्या थी कि इतने हजार या इतने लाख हिंदुओं को या तो मार देगा या उनको मुसलमान बना देगा। जिसको गाजी बनने की धुन है वो बहुतों की थी, अकबर को भी यही था, बाबर को भी था, हुमायूं को भी था, ये जितने मुगल शासक थे सबको था, ये सब गाजी बनते थे। और गाजी बनने की धुन में सिकंदर लोधी ने भी यही किया, बहुत मुसलमान बनाया। उसी के समय में ये संत रविदास हुए हैं। जब संतों की ख्याति होती है तो फिर उनके ऊपर में डोरे डालने का प्रयास करता है शासक। इस प्रकार का जो है ये गुरु गोविंद सिंह के काल में भी हुआ, गुरु अर्जुन देव के काल में भी हुआ, जितने भी हमारे सिखों के गुरु हुए हैं उन सब का जो बलिदान हुआ है, उन सब की जो शहादत है, वो सब इन मुगल शासकों के हाथों हुई है। तड़पा तड़पा के मारे गए हैं, बहुत अपमानित किया गया है, अंग भंग किए गए हैं। संत रविदास को भी इसी प्रकार का दंश तो झेलना पड़ा, लेकिन हाँ जीवन पे तो नहीं बनी, पर उस सिकंदर लोधी ने कोशिश ये किया कि इनको मुसलमान मगर मैं बना लूं, तो जितने इनके रविदासियां हैं ये सारे के सारे स्वाभाविक है गुरु जी के पीछे भेड़ की तरह ये भी मुसलमान बन जाएंगे। तो उन्होंने कुछ मुल्ला दो चार इसी काम के लिए नियुक्त किए, जाओ भाई उनके साथ दोस्ती करो और दोस्ती करके इनके और तुम इनको मुसलमान बनाने का प्रयास करो। बंधुओं, जो इस तरह के मुल्ला होते हैं, जरा मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये सब सूफी लोग होते हैं। हमारा हिंदू समाज इतना भोला है, और भोला क्या, मूर्खता की सीमा तक भोला है कि हम आज भी सूफी संतों को अपने धर्म के बारे में बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो सूफी संत हैं ये तो बहुत धर्म की बड़ी उसकी परंपरा को आगे जीवित रखते हैं। कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मुसलमानों ने सूफी संत को, जो कभी अरब में इनके यहाँ पे पैदा हुआ था, पैदा तो अच्छे काम के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको विवश करके उनकी जान की बख्शी इसी बात पे की कि तुम जाके अब अपना ये जो तुम्हारा
धर्म का वो चलता है, इसके आधार पे मीठा जहर बन के मुसलमान बनाने का प्रयास करो हिंदुओं के बीच में घुस के। और हमारे यहाँ तो मूर्खों की परंपरा है हिंदू समाज की, आज भी बहुत से पढ़े लिखे बंधु हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे जितने श्रोता सुन रहे हैं उनमें से भी कोई सूफी समाज के लिए बड़ी श्रद्धा रखने वाला हो तो आश्चर्य का विषय नहीं है। ऐसे सूफी संत जो हैं वो इसी प्रकार से सभी रविदास के साथ घुल मिल गए। इससे पहले भी इसका एक बहुत बड़ा हम लोगों ने प्रमाण देखा है जो बाबर के काल में हुआ, जो अयोध्या का वहां पर एक राम मंदिर कभी होता था, उसके जो महंत थे उनके साथ में उनके शिष्य के रूप में इसी प्रकार से दो सूफी जुड़ गए और अंत में उन्होंने उसी महंत की हत्या की और अपना असली रूप दिखा के उन्होंने बाबर के पास में खबर भिजवाई और तब बाबर ने आक्रमण करके अयोध्या के उस राम जन्म स्थान को सारा भ्रष्ट किया। पर हम लोग मूर्खता से बाज नहीं आते हैं और आज भी कोई बहुत बड़ी जागृति नहीं हुई है। हमारे यहाँ जितना ये हिंदू सेकुलर समाज कहलाता है वो उसी प्रकार का मूर्ख समाज है, वो आज भी किसी प्रकार का इतिहास से सीखने का इच्छा नहीं रखता। तो एक मुल्ला तो उनमें ऐसा हो गया कि वो इन्हीं का शिष्य बन गया, उसने तो अपना नाम रामदास रख लिया। सिकंदर लोधी को बड़ी उलझन हुई, बड़ी खीज हुई, उसने क्या किया इन संत जी को बंदी बना लिया और बंदी बना के उसने वही उसी प्रकार का किया कि तुम्हारे जितने अनुयायी हैं तुम सबको जो है ना ये खाल उतारने का काम करना पड़ेगा, वही घृणित काम। और उन्होंने ही ये सिकंदर लोधी का दुष्कृत्य है कि उसने ये जो चंवर क्षत्रिय थे उनको चमार नाम से संबोधन दिया। तो हम लोगों को ये इतिहास के विषय पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने भी कहीं से ढूंढ के आपके साथ में साझा किया है और ऋषि के अनुयायी होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप मेरी बात को अंतिम सत्य मत मानिए। मैं भी एक सामान्य विद्यार्थी हूँ, आप भी एक विद्यार्थी बनिए और विद्यार्थी के रूप में इस संबंधित साहित्य को पढ़ के ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैंने जितनी जानकारी ली है उसमें कितनी सत्यता है, हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज हो जो इतिहास के अंदर में विवाद का विषय हो, तो और सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। लेकिन जितना जानने का प्रयास करेंगे आपको मर्म में यही मिलेगा कि जो हमारी चंवर क्षत्रिय जाति थी जब वो पद दलित हो गई, सब प्रकार से निस्तेज हो गई, तो उसी को इन मुगलों ने और मुसलमानों ने मिलके उनको चमार का शब्द दिया। और बहुत ही घृणित कार्य कि गांव से बाहर जाके मरे हुए जानवरों की खाल उतारो, जो कि काम मुसलमान करते थे, उन्होंने इनसे जबरदस्ती ये काम कराया। और केवल ये चमार ही नहीं, उन्होंने भंगी भी मुसलमानों ने बनाए, हमारे ही लोगों में से बनाए, उन्हीं को अपना मैला सिर पे ढोने के लिए बाध्य किया। लेकिन ये वो जाति है, इसके बारे में हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया है कि इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, अपमान को सहन किया। और ये शब्द कहाँ से मिलते हैं, ये एक संत रविदास जी ने अपने जीवन काल में एक रामायण लिखी। हमको मालूम है बहुत रामायण हैं श्री राम के बारे में, 300 रामायणों की तो चर्चा होती है, तो उन्होंने लिखी थी एक रविदास रामायण। उस रविदास रामायण में जो उन्होंने 2-3 दोहे हैं, मैं बस वो आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये विषय जो है कितना ऐतिहासिक और प्रमाणिक। वो ये कह रहे हैं रविदास, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। जरा वेदना देखिए, इसी प्रकार की वेदना जो है ये हमारे सिख गुरुओं ने भी इसी प्रकार से बोली है, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं रविदास, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा। ये रविदास कह रहे हैं, अंग अंग काट दो मेरा, कटार से गोद दो मुझे, तिल तिल काट दो, जिसके हमारे यहाँ पे उसमें आता है कि पुर्जा पुर्जा कट मरे, कबू ने छाड़े खेत। ये कितने प्रेरणादायक हमारे यहाँ पे इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, दोहे मिलते हैं। लेकिन हम ही जैसे लोग कितने अभागे हैं, कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हमने कभी भी इस अपनी स्वर्णिम परंपरा को जानने का प्रयास नहीं किया।
हम भी ये मानते चले आ रहे हैं कि ये चमारों के अंदर में एक संत रविदास हो गए हैं, मंग्यों के अंदर में एक संत वाल्मीकि हो गए हैं, ऐसे अन्य अन्य और भी शूद्र कुलों के अंदर उत्पन्न हमारे बहुत से कवि हो गए हैं, बहुत से संत हो गए हैं, बस शिष्टाचार के नाते हम उनका सम्मान करते हैं, कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये शिष्टाचार नहीं है, दुराचार है। हमने उनके कभी वंश को, उनके कुल को, उनके जाति को, किस अपमान को उन्होंने सहा और धर्म को नहीं छोड़ा, जान छोड़ दी, अपमान छोड़ दी, अपमान सहन किया, सम्मान छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और आज उस धर्म को क्या मखौल हो रही है। रविदास की एक उक्ति और सुनिए, जो मैंने बोला कि उन्होंने एक रामायण लिखी थी, रामायण लिखी थी तो प्रमाण क्या है, जब तक राम नाम रट लावे दाना पानी यह नहीं पावे। यह है संत रामदास के अपने जीवन का संकल्प। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में ले रहा, जब तक मैं राम नाम की रट ना लगा लूं मैं दाना पानी भी नहीं लेता हूं। कैसे कैसे व्यक्ति हुए हमारे यहाँ। और आज हमारी विडंबना क्या है, इन्हीं के जो वंशज अपने को कहते हैं हम दलित समाज के वंशज हैं, हमारे ये रविदास हुए हैं, हमारे कबीरदास हुए हैं, हमारे ये हुए हैं, हमारे वो हुए हैं। उनको दास के और संत के रूप में तो मानते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में, उनके सिद्धांतों के, उनके आदर्शों के बारे में सोचते नहीं है। और नीचता इस सीमा तक है कि आज भीम सेना बनाते हैं, भीम आर्मी, और हालत क्या होती है, MSY मुस्लिम और यादव और दलित SC ST, मतलब मुस्लिम और दलित की कौन सी जुगलबंदी हो सकती है, कभी किसी ने सोचा। लेकिन जो अपने आप को उनका वंशज बताते हैं, भीम आर्मी बनाते हैं, चंद्रशेखर आजाद अपना नाम लिखता है, एक क्रांतिकारी आजाद के नाम को अपमान करता है, अपमानित करता है, और रविदास का वंशज होकर स्वयं रविदास के ऊपर में लांछन लगाता है, एक प्रकार से उनका अपमान करता है। उनका वंशज जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा था, लेकिन ऐसा घृणित काम करना जो है अपने जीवन में स्वीकार किया, उनका वंशज आज मुसलमानों को अपना नेचुरल एलाई मानता है। और जिस हिंदू समाज के लिए गुरुओं ने, अपने सिख परंपरा ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, रविदास जी ने किया, बार बार कह रहे हैं वेद धर्म नहीं छोड़ूं। हम लोगों को इन शब्दों के अंदर में स्पष्टीकरण समझने का भी अभिप्राय नहीं होता। हम हिंदू और वेद के अंदर में अंतर नहीं समझ पाते। ये हिंदू हमारा नाम नहीं है, हिंदू तो बहुत देर में हमारी पहचान बनी है। मूल नाम तो हमारा वैदिक, हमारा धर्म था, और आर्य हमारा नाम था। रविदास स्वयं कह रहे हैं वेद धर्म नहीं छोड़ू, उन्होंने कब कहा मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ू। धर्म तो वेदी की होता है, हिंदू तो एक जाति है, हमारी एक पहचान है, आर्य से हम हिंदू बन गए। ये किस लिए बन गए कि हमारे जो, जब हमारी जो श्री थी तेज समाप्त हो गया। ऐसे मैंने जीवन में बहुत से देखे हैं, जब आदमी बहुत संपन्न होता है तो उसका नाम उसके माता पिता ने बुद्धि प्रकाश रखा होता है, और किसी कारण से घर सारा का सारा बिल्कुल दरिद्र हो जाए, पढ़ाई लिखाई की परंपरा समाप्त हो जाए, तो उसी बुद्धि प्रकाश को समाज जो है उसे बुद्धों के नाम से जानने लगता है। कोई बुद्धि प्रकाश नाम नहीं लेता उसका। तो बुद्धि प्रकाश से जिस प्रकार से मनुष्य अपने ही जीवन काल में बुद्धों की संज्ञा से प्राप्त होता है, ऐसी हमारे देश की स्थिति है। कहां हम वैदिक धर्म के अनुयायी रामायण काल में, त्रेता युग में, द्वापर तक, और द्वापर के अंदर में जैसे जैसे वैदिक मूल्यों का क्षरण हुआ, तो रामायण में तो भाई भाई के लिए लड़ता था, जान देता था, और त्रेता में क्या हुआ, वो उसमें द्वापर में कि भाई भाई की जान लेने के लिए महाभारत करने लगा। क्यों? केवल वैदिक मान्यताओं का, वैदिक मूल्यों का क्षरण हुआ। और मैं संकेत से बता रहा हूं ये महाभारत क्यों हुई है, ये केवल भाइयों के वैमनस्य के ही कारण नहीं हुई है, ये इसलिए हुई कि उस समय के जिनको हम भीष्म पितामह कहते हैं, कितने भी ज्ञानी रहे होंगे और वैदिक वर्ण व्यवस्था से वो भी अनभिज्ञ थे। कर्ण को उन्होंने हमेशा सूत पुत्र माना, कभी उसके गुणों को, उसके वर्ण को नहीं देखा कि ये क्षत्रिय कुल का ये व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया हो जिसके बारे में नहीं भी पता हो, लेकिन इसका वर्ण क्या है, इसका गुण क्या है, अर्जुन के बराबर धनुर्धर है और उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपने वैदिक वर्ण व्यवस्था का अपमान किया। और वैदिक वर्ण व्यवस्था का भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जब घर का, परिवार का मुखिया इस प्रकार का अनैतिक आचरण करता है, तो फिर क्या हुआ, वो कर्ण
कितना अपमानित हो गए, वो दुर्योधन की मित्रता स्वीकार करके उसके ऋणानुबंध में फंस गया और उसी का परिणाम हुआ कि दुर्योधन जैसे व्यक्ति ने कर्ण को अपने साथ पाके, अर्जुन के बराबर एक योद्धा पाके महाभारत के मन की कल्पना बनाई, नहीं तो उसका साहस ही नहीं होता वो युद्ध करता। कभी हम लोगों ने सोचने का प्रयास नहीं किया कि ये महाभारत क्यों हुई है। हम लोग इसको छोटी छोटी घटनाएं मानते हैं कि दो भाइयों में राज के लिए लड़ाई हुई। लड़ाई तो राज के लिए कभी भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी सीमा तक हुई वो केवल इस कारण से कि कर्ण जैसा व्यक्ति दुर्योधन को साथी के रूप में मिल गया। और ऋणी किस लिए कि जिसने बाकियों ने अपमान किया उस दुर्योधन ने अपने स्वार्थवश उसके साथ मित्रता का स्वांग किया, अपने ही बंधुओं को इसी प्रकार से अपमानित करके हिंदू समाज ने खोने की आज परंपरा निभाई हुई है। हजारों वर्षों से हम इसी प्रकार से अपने बंधुओं को खोते आ रहे हैं। मुसलमान बनते चले गए हैं, ईसाई बनते चले गए हैं, लेकिन आंखें हमारी आज भी नहीं खुल रही है। और आज भी अगर हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से चेतना आ रही है तो यही राजनीतिक दल उन्हीं दलित समाज को केवल दलित ही बना के रखना चाहते हैं। और इसकी परंपरा भी हमारे जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं अज्ञानतावश उन महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दे के दी। उन्होंने कभी हिंदू समाज के अंदर उनको किसी भी प्रकार से मुख्य धारा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया, उनको एक हरिजन नाम से अलग वर्ग बना दिया। बंधुओं ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं है, ये निर्णायक क्षण है। किस प्रकार से हिंदू समाज को हिंदुओं ने ही खाया है, किस प्रकार से लकड़ी को घुन खाता है, दीमक खाती है, जो वही उत्पन्न होती है और वही खा के वही मर जाती है। हिंदू समाज के अंदर भी बिल्कुल इसी प्रकार का अभिशप्त समाज है कि हिंदू समाज को आज भी मैं आपसे एक आशा की किरण करके अपनी बात पूरी करने का प्रयास करूंगा। हिंदू समाज आज भी इतना तेजस्वी समाज है, इतना ज्ञानी समाज है, इतना सदाचारी समाज है कि इसको दुनिया की कोई भी शत्रुता इसको समाप्त नहीं कर सकती। अगर समाप्त कर सकता है हिंदू समाज को तो केवल हिंदू समाज का ही वो अंग घटक जो इसके साथ गद्दारी करे वही इसको समाप्त कर सकता है। इसलिए बंधुओं हमारा शत्रु ना इस्लाम है, हमारा शत्रु ना ईसाई है, हमारा शत्रु है तो केवल भटका हुआ वो हिंदू है जो आज भी हिंदुत्व को गर्व से अनुभव नहीं करता है। और आज भी हमारे यहाँ ऐसे मूर्ख हैं जो हिंदू और हिंदुत्व के अंदर भेद बताते हैं कि हिंदू तो ये होता है और हिंदुत्व इसको कहते हैं, जिनको संज्ञा और विशेषण का ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे मूर्ख हमारे राजनेता हैं और उन राजनेता के महामूर्ख अनुयायी है। मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करके कि अपनी बुद्धि को हम लोग संयत करें, अपने संतों के माध्यम से उनकी जयंतियों को मनाने के माध्यम से स्मरण करें अपने आदर्शों को। केवल व्यक्तियों की जयंती जयंती मनाना ये हमारे लिए कोई बहुत शोभा नहीं देता है। हमको हर व्यक्ति के अपने जीवन में अपने समाज में आदर्श के रूप में किस प्रकार से स्मरण करना है इसका हमको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और अगर इस प्रकार का होता है तो हम स्वयं अपने अंदर गर्व का अनुभव करेंगे, आने वाली अपनी संतति को इनके जीवन को और इनकी जीवन गाथाओं को पढ़ाने के लिए बड़े गर्व से प्रेरणा भी करेंगे। जितने मेरी बंधु के यहाँ बैठे हैं, मेरी आयु के बहनें बैठी हैं, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पोता पोतियों को, अपने नाता नातियों को, उन सबको इन महापुरुषों की जीवन जीवनियां पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने जो हमारी बेटा बेटियां हैं, बहुएं हैं, जिनको भी आज बहुत भ्रमित हैं, उन सबके ऊपर प्रयास करें कि थोड़ा सा बेटा अपने इतिहास में जाने का प्रयास करो और आगे अपनी संतान को इनको थोड़ा सा अपने इतिहास के साथ जोड़ने का, धर्म ग्रंथों के साथ जोड़ने का कुछ तो थोड़ा सा तो प्रयास करो। दादा दादी होने के नाते, नाना नानी होने के बाद नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है। घर में हमारी कोई सुने या ना सुने इसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने अपना कर्तव्य पूरा किया नहीं किया ये हमारी आत्मा के लिए संतोष का विषय होना चाहिए। हम लोग अपने आप को टटोल के देखें कि क्या हमने वास्तव में अपनी ईमानदारी से प्रयास किया। हमारे बच्चों का भाग्य होगा तो हमारी बात सुन लेंगे, दुर्भाग्य होगा तो नहीं सुनेंगे। इस पे मेरा नियंत्रण नहीं है, आपका भी नहीं है, लेकिन हम अपने प्रयास में भी कमी करें ये बंधुओं ना करें हम। मैं इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हम लोग जीवन की संध्या में से निकल रहे हैं, ये संध्या काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काल है।
और जिस प्रकार से सूर्य उदय होते हुए भी आभा मंडल का होता है और अस्त होते हुए भी उसी प्रकार की अरुणामा से प्रकाशित होता है, हम लोगों को भी अपने जीवन में अस्ताचल की ओर जाते हुए भी इसी प्रकार से प्रकाशमान रह के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने संतान को कुछ ना कुछ दिशा देने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। बस इतनी निवेदन करके मैं आप लोगों को अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता आर्य निवेदन गुप्ता जी। वर्तमान संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में, 1400 ईस्वी से लेकर आज तक राष्ट्रीय वर्तमान परिस्थितियों में कई पहलुओं में आपने चर्चा की, बड़ा अच्छा गहन गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और सबको थाली में प्लेट कर आराम से दे दिया कि सभी इस पर चिंतन करें। मैं आर्य रविदेव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो अलग अलग ऐसे विषयों पे बड़ा गहन अध्ययन करते हैं और हमें बड़ी सरलता से, सुगमता से भेंट कर देते हैं। बहुत अच्छा गंभीर चिंतन चल रहा है। भजनों का सिलसिला बाद में इकट्ठा चलेगा। मैं चाहूंगा कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर के आर्य जी, स्वदेशी फार्मेसी हरिद्वार के निदेशक आएंगे, अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद अपने विचार रखेंगे। उसके बाद धर्मपाल आर्य जी, फिर भजन आप और हम। डॉक्टर आर के आर्य जी आइए। डॉक्टर राजकुमार आर्य जी, अमित जी देख रहे हैं, आवाज आई है। सबको एक माननी की सलाह, एक माननी की कुछ ऐसा ही संदेश दिया। हाँ बोलिए राजकुमार जी, बोलिए, आ रही आवाज। बाकी लोग अपना माइक बंद कर दें। डॉक्टर राजकुमार आ रहे जी, ये कोई आवाज आ रही है लगातार, मालूम नहीं किसकी है, ये कोई रीड। एक हमारे मित्र नेपाल से जुड़े हैं, ओम प्रकाश सर्राफ जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ आपकी ओर से। बहुत बढ़िया जी, बेक्षा आप जी अपना माइक बंद कर लो, अमित आर्य जी माइक बंद कर लो। जय श्री राम। जय राम। ओम प्रकाश जी, मैं अनिल जी आपको परिचय देता हूँ। ओम प्रकाश जी हमारे एकल अभियान के नेपाल में अध्यक्ष हैं और जनकपुर में रहते हैं। ये सीता जी के पियर के लोग हैं, कभी आप लोग बारात लेके इनके यहाँ जाइए राम जी की। ठीक है जी, ठीक है। सबको स्वागत है, बारात लेके बस आइए। जय सियाराम। जय सियाराम जी। आइए राजकुमार जी, भूखे थे थे बहुत देर। ओम प्रकाश सराफ जी अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, आपको लिंक रोज का मिलता रहेगा। डॉक्टर आर के आर्य जी, उनका माइक बंद है, माइक उनसे को खोलें, आप बोल दो ना यार। राजकुमार जी माइक बंद है आपका, अब तो 360 हो गए, ट्रेंड हो जाओ सारे। हेलो, आवाज पहुंची? पहुंची जी, पहुंची। पहुंची सर। हाँ जी सर, मेरा निवेदन ये था कि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता है माननीय रविदेव गुप्ता जी, उन्होंने इतना सुंदर गागर में सागर भरते हुए रविदास जी के बारे में वर्णन किया, और केवल रविदास जी नहीं बल्कि जितने भी उनसे एलाइड विषय थे, जुड़े हुए विषय साधु संतों के, उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस बारे में अधिक न कहते हुए एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है, आदरणीय मोदी जी ने रविदास जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाकर आगे आने वाली पीढ़ी को नया संदेश देने के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया है, और आज प्रधानमंत्री जी स्वयं इस उत्सव को मनाने के लिए मंदिर गए, और यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहीं वाराणसी, जो गोवर्धनपुर गांव है उनका, संत रविदास जी का, वहां पर संदेश देने के लिए गए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है जो लगभग 70-72 साल बाद इस देश में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जागृत की है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय रविदेव गुप्ता जी का कि उन्होंने इस चीज को
एक बहुत ही सशक्त तरीके से रखा है कि सब लोग न केवल अपने तक सीमित रखें बल्कि समाज को, परिवार को ये संदेश दें कि अपने संतों को, महापुरुषों को जाने। और इसके साथ ही मैं ये भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री अनिल आर्य जी का कि उन्होंने केंद्रीय आर्य युवक परिषद के माध्यम से देश के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जितने भी वर्तमान में, भूतकाल में, जिन्होंने जो भी समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, समानता का व्यवहार किया है, या आगे जो हमारे संविधान में भी सब जोड़े गए हैं कि कर्म के आधार पर उसके मान्यता मिले, उस सब के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और न केवल केंद्रीय आर्य युवक परिषद भारत में कर रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। एक ऐसा वृक्ष हमारे बीच ये लगाया गया केंद्रीय आर्य युवक परिषद का, तो हम सबका फर्ज है उस पेड़ को सिंचित करते रहें और ऐसी विचारधारा जो पूरे समाज के हित में है उसको बनाए रखने के लिए सभी सहयोग करते रहें। मैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, मुख्य वक्ता और कोषाध्यक्ष महोदय प्रवीण जी, महेंद्र भाई आदि सभी जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्रम को निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर के जी। मैं दो नाम की और चर्चा करना चाहता हूँ, मैंने अभी पढ़ा है। एक हमारी बहन रमा पोपली जी जुड़ी है रांची से, और यहाँ गगन विहार से सुनीता चड्डा जी, मैं उन दोनों का भी आपकी ओर से ही अभिनंदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी ओर से स्वागत है आपका। डॉक्टर आर के आर्य जी आरएसएस भूड भारत नगर गाजियाबाद के प्रधान है, केंद्रीय शोध के अपार सहयोगी है, स्वदेशी फार्मेसी हरिद्वार के डायरेक्टर है, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं शुद्ध और पवित्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धर्मपाल आर्य जी अध्यक्ष वक्तव्य है, उसके बाद जो जो गीत भजन बोलना चाहते हैं, चार चार पांच पांच मिनट, पांच छह लोग अपना नाम व्हाट्सएप कर दें, उनको मौका मिलेगा। अनिल जी आप अभी कुछ भजन करवा लीजिए, मैं अंत में बोलूंगा, अगर ट्रैफिक के अंदर फंसा हूं, बहुत बुरा ट्रैफिक जाम है दिल्ली में, मैं ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चला रहा हूं इस समय, मैं बाद में बात करता हूं। अच्छा जी, बाद में बोलूंगा। अनिल जी चलो, माता चंद्रकांत आर्य जी। हाँ जी, मैं आशा रानी भी बोलूंगी। देखो चार या पांच मिनट लेना ताकि सबको मौका मिले। पहले माता चंद्रकांत आर्य जी आ जाए चंडीगढ़ से। अनिल जी मेरी एक छोटा सा निवेदन है, जितनी बहनें सुन रही हैं उनमें से कोई एक बहन छोटी सी प्रतिक्रिया दे, मैंने जो बाद में सलाह दी है सबको उसके बारे में। चलो रजनी चौक जी, चलो चंद्रकांता माता जी बढ़िया बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ माता जी, माइक खोलो पहले, आपके समकक्ष लग रही है। हाँ बोले बहन जी, जरूर बोले। बहनों ने क्या सुना मुझे कोई तो बताए। माता चंद्रकांता जी माइक खोलो, ये बंगलोर के भी हैं, सोनीपत की भी हैं, चंडीगढ़ की भी हैं। माता जी माइक नहीं खुला, रिटायर्ड प्रिंसिपल चंद्रकांता जी माइक खोलो। भाई साहब नमस्ते, मैं कमलांस बोल रही हूँ। मुझे कमलांस जी देख लिया, अभी माइक खोलिए माता जी। चंद्रकांता जी माइक खोलो। चलिए और कोई किसी और से बुलवा लीजिए अगर उनका नहीं चल रहा। आदरणीय भाई साहब व मेरे प्यारे वीर अनिल जी, माननीय रविदेव गुप्ता जी, बहुत अच्छा सारगर्भित उद्बोधन जिसमें आपने रविदास के विषय में, जन्म स्थान के विषय में, उनके कार्यकाल के विषय में और क्रियाकलाप के विषय में इतना अच्छा वर्णन दिया और साथ साथ भारतीय इतिहास का दिग्दर्शन कराया, हमारी वास्तविक मनोदिशा का दिग्दर्शन कराया कि हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, क्यों हम अपने इतिहास से दूर चलते जा रहे हैं, उनके कारण मुगल का साम्राज्य और ईसाइत की ओर मुड़ने का कारण विशेष यही है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने माननीय पूर्वजों का इतिहास नहीं जानते। तो वाकई आपका ये जो आह्वान है कि हमें अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को, बच्चों को अपने इतिहास की ओर प्रेरित करना चाहिए, बड़ा अचूक निशाना है। अपनी जाति को
उद्गम की ओर ले जाने का, प्रकाशा की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास करेंगे हम सब कि जो भूले भटके हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी अग्रिम शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद बहन जी, मैं आपकी बात से संतुष्ट हो गया हूँ। और मैं अंत में एक ही सबको एक फिर अपनी ओर से सलाह देना चाहता हूँ। हम लोग एक दिया हैं और बुझने से पहले हमको 10 दिए जला के जाने हैं। बहुत अच्छा आवाहन, बहुत अच्छा आपका उद्बोधन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी वाणी के अंदर सत्यता है और जो अंतर को छू जाती है। मैं आपके लेख कई बार नोट भी करती हूँ, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। ऐसे नहीं लगता कि आप बोलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे लगता है कि आप हमें वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने के लिए बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रमा पोपली जी कुछ कहेंगे? ओम प्रकाश जी, मैं रविदास जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, समय है? बोलो बोलो, संक्षेप में बोलो ना, सबको मौका मिलना है, फिर रह जाएंगे लोग। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलूंगी। तो आज हम रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। इनके जन्म के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताना चाहती। तो संत रविदास जी को ईश्वर भक्ति में पूर्ण विश्वास तो करते थे, उनकी वाणी में भी मधुरता थी, ज्ञान भी से उनके ज्ञान से सभी लोग प्रभावित थे। उनके द्वारा जो कहे गए शब्द होते थे, दोहे पद वगैरह, वो बड़े अनमोल वचन हुआ करते थे, क्योंकि उनके अंतरात्मा में ही वो बातें आती थी। उनका जीवन प्रैक्टिकल था, कोई दिखावा नहीं था, बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव से उनका जीवन व्यतीत करते थे। और उनके वचन जो है आज भी हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमारे लिए एक अनमोल वचन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो चंद एक अनमोल शब्द सिर्फ, भगवान उसके हृदय में निवास करता है। कितनी सहज बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनके उनकी वाणी से निकले हुए शब्द लोगों पर बड़ा असर करते हैं, क्योंकि जो खुद प्रैक्टिकल होता है, हम कितना भी पढ़ाएं बच्चों को उसका असर नहीं होता, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल जीवन जैसा है वो हमारा बच्चों के ऊपर बड़ा असर करता है। तो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं होता, कोई लालच व द्वेष नहीं होता। ये हम घर में करके दिखा सकते हैं बच्चों को। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्मों के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा नीचा बनाते हैं। आगे है, हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि जैसा हमारा कर्म है वैसा हमारा हमें फल मिलेगा। कर्म हमारा है, फल हमारा सौभाग्य है। रविदास जन्म के कारण, रविदास जी कहते हैं कि जन्म के कारण होत ना को नीच, ना कर कु नीच करी डारी, ओछे कर्म की नीच। ओछे कर्म जो है वो हमें कीचड़ में डालते हैं, पर दलित करते हैं, हमें इधर उधर ले जाते हैं। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म ना दे। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दाने को चुनती है, लेकिन हाथी कुछ नहीं कर सकता, उस शक्कर के दाने को नहीं कर सकता। वो बड़े बड़े पेड़ों को काट सकता है, उखाड़ सकता है जड़ से, लेकिन शक्कर के दाने को चुन नहीं सकता, बीन नहीं सकता। तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। मोह माया में फंसा हुआ जीव भटकता रहता है। इस माया को बनाने वाले ही मुक्ति दाता हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसका उद्भव हमारे गुप्ता जी ने बता दिया था। तो वे अपना काम पूरी लगन से किया करते थे, उनका जीवन ही प्रैक्टिकल जीवन था। समय का भी वो पूरा ध्यान रखते थे कि जिस समय जो काम मैंने करना है उस समय वही काम करना है, अपना वायदा पूरा करते थे। और वो चुनिंदे महापुरुषों में से एक थे जिनको आजकल हम भुला चुके थे, लेकिन उसके अंदर आत्मिक ज्ञान के वचनों से संसार में उन्होंने एकता और भाईचारे पर जोर दिया, जातिवाद को खत्म करने के ऊपर बड़ा जोर दिया। लोग सुने ना सुने, लेकिन उन्होंने अपना प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मुझे, मेरे सामने कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं नीची जाति से जरूर हूं, लेकिन देखो हम उनको नीची जाति कहते हैं, लेकिन उनका वंश कितना ऊंचा, क्षत्रिय वंश के
चमर वंश के वो होते हुए भी अपने आप को मुगलों की प्रताड़ना के कारण सहन किया और वैदिक धर्म को नहीं छोड़ा। कितना उच्च लक्ष्य था, वाह कमाल है, उनके तो वाकई शत शत नमन है ऐसे गुरु को। तो ज्ञान के वचनों से संसार की एक तरफ भाईचारा पर जोर दिया। रवि दास जी का अनूप महिमा देखकर कई राजा रानियां भी उनके अनुयायी बन गए थे और उनका भक्ति मार्ग से जुड़े। वे धार्मिक प्रवृत्ति के दयालु एवं परोपकारी व्यक्ति थे। उनका जीवन दूसरों के लिए भलाई करने में ही व्यतीत होता था। वो समाज का मार्गदर्शन करते थे और मार्गदर्शन करते उनका जीवन व्यतीत हुआ। उन्हीं के उपदेशों एवं शिक्षाओं से समाज को अधिक लाभ हुआ और आज तक भी अगर हम बड़े विचार से ध्यान से उनकी शिक्षाओं को पढ़ें तो कोई भेदभाव नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलकर हम अपने जीवन को भी संवार सकते हैं। बातें करना बड़ा आसान है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, अपने घर में ही जब हम बहू बेटी में अंतर करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो इसका मतलब भेदभाव जात पात का भेदभाव बहुत दूर है। अपने घर में ही बच्चों में भेदभाव करते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक है। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद माता चंद्रकांत आर्य जी। राय जी चुग जी तैयार है, आज कुछ कहना है तो करुणा कमलेश चंद्र जी तैयार है। हाँ जी, माननीय आचार्य जी एवं सभी आर्य जनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर आज का विषय, मन एकदम मतलब हमें जानकारी मिली, इतना अच्छा हमें मार्गदर्शन मिला, ज्ञान बढ़ा हमारा। बहुत सुंदर विषय के हिसाब से हमारे आचार्य जी ने, माननीय आचार्य जी हमें सदैव ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारा करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने सगुण और निर्गुण के विषय में बताते हुए हमारे अपना उद्बोधन दिया और उन्होंने बताया कि गंगा का संबंध मन की निर्मलता से है, बिल्कुल सत्य है। और आज के इतिहास जानने की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसकी जानकारी दे सकें। तो संतों एवं महापुरुषों की जानकारी बहुत अधिक आवश्यक है। आपने बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया और सदैव अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा ईश्वर भक्ति का गीत, प्रभु भक्ति का भजन रखती हूँ। प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा, प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा। वादा किया था गर्भ में जो वो हमको याद ना रहा, वादा किया था गर्भ में जो वो हमको याद ना रहा। प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा। वर्ष गया मास गया दिन बीते और बीती घड़ियां, सारी उम्र अभी गई काल है सर पे छा रहा। प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा। वादा किया था गर्भ में जो वो हमको याद ना रहा। बचपन बिताया खेल में यौवन आनंद में भयो, बूढ़े हुए तन निर्बल हुआ अब मन क्यों पछता रहा। प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा। नर्तन मिला था जो हमें सार तत्व की खोज में, नर्तन मिला था जो हमें
सार तत् की खोज को पढ़ के विषयों के धंधे में जीवन यूं ही गवा रहा पढ़ के विषयों के धंधों में जीवन यूं ही गवा रहा प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा वादा किया था गर्भ में जो वो हमको याद ना रहा प्यारे प्रभु के भजन बिना जीवन ये बीता जा रहा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राजीव चौक जी बहुत सुंदर आवाज बहुत सुंदर गायन अब कमलेश चंद्रा जी आएगी मेरठ से और उसके बाद अमृतसर से विजय कुल्लर जी हां जी सबको सादर नमस्ते जी एक ऋषि गीत प्रस्तुत कर रही हूँ दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे करों में ओम की पावन पताका लेके आए थे दयानंद न थे धन धाम मठ मंदिर न संग चेली न चेला था हृदय में वे अटल विश्वास प्रभु का लेके आए थे दयानंद गौ विधवा दलित दुखिया अनाथों दीन जनों के हित नयन में अश्रु कण मानस में करुणा लेके आए थे दयानंद अविद्या सिंधु से अगणित जनों के पार करने को परम सुख दायिनी सद ज्ञान नौका लेके आए थे दयानंद कोई माने न माने सच्चे तो है ऋषि राज ही पहले स्वराज स्थापना का मंत्र सच्चा लेके आए थे दयानंद पिलाया जहर का प्याला उन्हीं नादान लोगों ने कि वे जिन के लिए अमृत का प्याला लेके आए थे दयानंद प्रकाशादर्श शिक्षा का पुनः विस्तार करने को वही प्राचीन गुरुकुल का संदेशा लेके आए थे दयानंद देव वेदों का उजाला लेके आए थे करों में ओम की पावन पताका लेके आए थे दयानंद बोलो महर्षि देव दयानंद की जय हो धन्यवाद अमृतसर से विजय कुल्लर जी आएंगे बहुत बहुत स्वागत ओम सभी को सादर नमस्ते नमस्ते जी हाँ जी आज संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं और रविदास जी ने वेदों बहुत अच्छा वेदों के बारे में कहा उन्होंने कहा वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान फिर मैं क्यों छोड़ू इसे पढ़ लू झूठ पढ़ू लू झूठ कुरान वेद धर्म छोड़ू नहीं कोशिश करो हजार तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार मगर इसलिए उन्होंने वेदों के बारे में भी बहुत अच्छा बोला हर धर्म के बारे में उन्होंने लिखा भी और ग्रंथ काफी ग्रंथ भी लिखे
तो उन्होंने दोहावली भी काफी की। आज मैं ओम की महिमा दोहों के रूप में करूंगी। ओम कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। वेद शास्त्र सद ग्रंथ भी ऋषि मुनि गुरु और संग एक साथ मिलकर कहे उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत। ओम नाम सबसे बड़ा प्रभु का असली नाम, बाकी जितने नाम है गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में है जिसका उल्लेख, औषधियों की औषधि ओम रसायन देख रे प्राणी, ओम रसायन देख। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बन कर भजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एक मात परमात्मा है सबका आधार रे प्राणी, है सबका आधार। ईश्वर ही संसार में सबका मूल आधार, जीवन भर कर तेर हो जगत पिता से प्यार प्राणी, जगत पिता से प्यार। सबसे वे नजदीक है वही दूर से दूर, अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर रे प्राणी, खुशियों से भरपूर। कन कन में व्यापक प्रभु अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक रे प्राणी, सूरज चांद अनेक। ओम जी धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुलर जी। ओपी सराफ जी जुड़े हुए हैं नेपाल से, मैं चाहूंगा वो भी दो चार मिनट अपनी शुभकामनाएं विचार रखें। ओम प्रकाश सराफ जी, ओम प्रकाश सराफ जी नेपाल से आइए, स्वागत है। ओपी सराफ जी, अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अभी एक प्रोग्राम में भी है और आपका एक प्रोग्राम सुन रहे हैं। चलो धन्यवाद जी, जय सियाराम। और किसकी तैयारी है, स्वागत है। हाँ रविदेव जी है, सुन रही है। हाँ उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, कर लो जी। दो मिनट, एक सेकंड। सुरीता चड्डा जी बोलना चाहेंगी। रविदेव जी गुप्ता, आपसे एक प्रार्थना है, जो इतने सुंदर आचार्य नहीं बोल रही थी। हाँ जी, इसके बाद बोल लेना। हाँ, यदि इनकी छोटी छोटी पुस्तकें संस्मरण ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो जाएं तो उत्तम रहेगा। कुछ आर्थिक सहयोग
की आवश्यकता हो तो हम अन्य जी के द्वारा आपके द्वारा भेजने को तैयार, आपके पास भेजने को तैयार है, या आप अपना कोई नंबर भी भेज सकते हैं। छोटी छोटी पुस्तकें बड़े चाव से पढ़ेंगे बच्चे और उन्हें अपने गौरव में इतिहास का भी ज्ञान होगा जाएगा। अग्रिम धन्यवाद गुप्ता साहब। धन्यवाद जी। आशा रानी जी आ जाए, कमला जी, उसके बाद फिर सुनीता चड्डा जी, फिर शांति भाट, 7 बजे ठीक। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, बोलिए। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सारी अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। बस ईश्वर के दर पर सारी अपना झुका देना। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, भाव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको दिल से ना भुला देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर की उन्हें पकड़ा देना। बस ईश्वर के दर पर सारी अपना झुका देना। चाहेंगे सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेंगी शरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन की पथक उसकी राहों में लगा देना। जीवन को पथक उसकी राहों में लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सारी अपना झुका देना। धन्यवाद जी, समय देने का। बहुत-बहुत धन्यवाद आशा रानी जी। कमला जी आ जाइए, विकासपुरी से आपका स्वागत है। धर्मपाल जी जुड़ चुके हो तो आ जाए, इसके बाद कमला जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ओम सबको नमस्ते, सबको सादर नमस्ते। तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्ही से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं, तुम्ही से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गीत गाते हैं, सभी को आसरा तेरा, तुम्ही रक्षक व पालक हो, तुम्ही माता पिता सबके, तुम्ही दुनिया के मालिक हो, सभी छोटे बड़े तुमसे सदा वरदान पाते हैं,
तुम्हारे दर पे योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, दिशाओं में तेरे जलवे तुम्ही रंगी नजारों में, घटाओं में तुम्हारे ही हवाओं में तेरी हर जल सदा चमक रही, तेरी सितारों में घटाओं में तुम्हारी तुम्हारे दर पे योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तेरे पाबंद है जमा मैं तेरे भी उजाले भी, गरीबी और अमीरी भी गुदरिया भी दुशाले भी, यहाँ इन साफ होता है वह दर तेरा बताते हैं, जहाँ इन साफ होता है मैं दर तेरा बताते हैं, तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, बसा हर एक दिल में तू फिर भी दूर है लेकिन कोई जाने न पहचाने, बड़ा मशहूर है लेकिन निराली शान है तेरी, पथिक गा गा सुनाते हैं, निराली शान है तेरी पथिक गा गा सुनाते हैं, तुम्हारे दर पे ही योगी मुनि सब सर झुकाते हैं, तुम्ही से प्रेम करते हैं तुम्हारे गीत गाते हैं। धन्यवाद भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धनपाल आर्य जी जुड़ी है तो आइए अध्यक्ष वक्तव्य मेरे का वचन देखते हैं। धन्यवाद जी। 5 बजे आइए धनपाल जी। आज की कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रविदेव गुप्ता जी, आर के डावर जी, आज के जो वक्तव्य के अंदर आदरणीय रविदेव गुप्ता जी ने जो अपने वक्तव्य के अंदर रविदास जी के पीछे के इतिहास को कोड करते हुए बताया कि वह केवल जाटवा समाज के नहीं थे, पीछे से राजवंशी थे, यह सत्य है क्योंकि मैं भी कुछ इस ओर गया हूँ, कुछ पढ़ा भी उनके संदर्भ में, तो वहां से रगे चवर एक वंशज थे, वहां से निकल के आए थे, वहां से चमार शब्द दिया गया, चमार शब्द से फिर जाटवा समाज आज वर्तमान के अंदर एक जाटवा समाज के नाम से हमारे SC समाज के अंदर जो लोग हैं जाटों के नाम से जाने जाते हैं, तो ये लोग सब रविदास जी के वंशज कहलाए जाते हैं। आपने बहुत ही अपने सारगर्भित वक्तव्य के अंदर गागर में सागर भरते हुए रविदास जी के पूरे पीछे के इतिहास को दोहराते हुए हम सबको जो आज लाभान्वित किया है उसके लिए मैं पूरे जो है चमार जो जाति है या जाटा समाज जो है उसके माध्यम से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं आप इसी प्रकार जो परिषद है अपने संतों का वो जो हमारे जितने भी जो गुरु आए हैं उन सब के जो है इतिहास को और उनकी जो जयंतियां हैं उनको मनाते हुए सब समाज के बीच में रखते जाएंगे, इससे और भी समाज लाभान्वित होगा। आप सबका पुनः आभार व धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनपाल आर्य जी। एक गीत चलते चलते माता ईश्वर देवी देख रहे हो, चंपा खन्ना जी भी है, गुरुदेव अग्रवाल जी भी सभी को सादर नमस्ते।
बहुत अच्छा, रविदास जयंती पर जो आज हमने सुना है बहुत अच्छा लगा। और कहते ना वो जात पात पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु को होई। प्रभु अपना मन मंदिर देखता है, अंदर साफ सुथरा देखता है, वो रंग रूप धन और जाति पाति कुछ नहीं देखता। तो इसी के ऊपर दो लाइनें सुना देती हूँ, ज्यादा नहीं। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, कष्ट सब मिट जाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, मन अगर हो साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले। मन अगर हो साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले। मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या फायदा, मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या फायदा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जीतना मन का कठिन है, जीत ले कर जाएगा। जिसने मन को जीत लिया फिर वास्तव में वो तो जीत लेके जाएगा। मन को जीता रविदास ने तो आज वो भी मान हो गए। जिसने अपने इंद्रियों को मन को वश में कर लिया, उसके मालिक यानी राजा बन के रहे, तो वास्तव में वो विद्वान भी हो गए, महान भी हो गए, पूजनीय भी हो गए। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, निंदा चुगली बेईमानी में लगा हर दम रहा, निंदा चुगली बेईमानी में लगा हर दम रहा। सोच ले मन पाप से आनंद कैसे पाएगा, सोच ले मन पाप से आनंद कैसे पाएगा। बीज बो कर जहर के तुझे ज्ञान अमृत क्यों मिले, बीज बो कर जहर के तुझे ज्ञान अमृत क्यों मिले। साफ कर दिल से बुराई फिर सदा सुख पाएगा, साफ कर दिल से बुराई फिर सदा सुख पाएगा। मन अगर गंदा हो तो पहचान कैसे पाएगा, मन अगर गंदा हो तो फिर ज्ञान कैसे पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जा। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।
ईश्वर देवी जी बहुत सुंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत जातवाद से छोटी छोटी जाति सभी मनुष्य ईश्वर के बनाए हुए संतान है एक दूसरे का हम सरोप करें। और रविदास जी की कुछ विश्वास वेद धर्म सबसे अनुपम सच्चा ज्ञान फिर मैं छोड़ू इसे पढ़ लो झूठ कुरान धर्म छोड़ू दी कोशिश करो आजा तिल तिल काटो चाहिए उदो अंक टार। तो किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वेदों की बात की है तो वेदों की परिपालना तब की थी आज भी है आगे भी नहीं आवश्यकता है उसको पढ़ना जागरूक होने की लागू करने की जीवन में करने की अभी बहुत कुछ करना है। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। परसों फिर मिलेंगे 18 को 5 बजे रमा चावला जी के साथ आपको भेज दिया गया है दुनिया में रहना किस तरह पाएंगे प्रवीण जी गाजियाबाद से हमारे साथ ही शांति पाठ करेंगे। अनिल जी आपका तो कितनी बार धन्यवाद करें हमारे पास शब्द नहीं है इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं हमारी ज्ञान वृद्धि हो रही है बहुत बहुत धन्यवाद इतना आभार की चुका सकते आपका। चलो प्रवीण जी आ रहे हैं चलो रंजीत चुग जी आप प्रवीण जी दुकान पे बैठे होंगे गाक आए होंगे ग्राहक बैठे माइक बंद है जी। ओम देव शांति अंतरिक्षकम् शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति सामा शांति 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 जोले सो भय वैदिक धर्म की जय महर्षि स्वामी दयानंद की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय योगी राज भगवान कृष्ण की जय हमारे समाज अमर रहेगा वेद की ज्योति जलती रहेगी ओम का ऊंचा रहेगा वैदिक वाणी सभी को सादर नमस्ते सबका धन्यवाद बहुत धन्यवाद 18 बजे धन्यवाद नमस्ते सबको नमस्ते।